पीएच इन एवरी डे लाइफ, अपने बॉडी की पीएच कितनी होती है देख लेते हैं। और बॉडी वॉक्स ऑन में पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, मतलब न्यूट्रल के आसपास से कुछ बेसिक की तरफ ही होता है, एसिडिक नेचर में नहीं जाता है हमारे बॉडी का जो पीएच है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक लिमिटेड पीएच चेंज में वर्क कर सकते हैं, उससे कम हो गया तो नहीं कर सकते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर सिस्टम, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन द रिवर बिकम्स डिफिकल्ट। मतलब कि जब जो रेन है वो 5.6 पीएच वैल्यू से नीचे होती है तो उसको एसिड रेन में बोलते हैं, और जो एसिड रेन होती है फिर वो रिवर में बह के जाएगा उसका पानी, और नदी का जो पीएच वैल्यू उसको लोअर कर देगा, जिससे कि एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उसकी सर्वाइवल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। मतलब नदी में मर भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एसिड इन आवर प्लैनेट, द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एलोइस क्लाउड का बना हुआ है, व्हाइट प्लस एलोइस क्लाउड है वहाँ पे, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है तो आपको लग रहा है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता होगा, बिकॉज हमें पता है कि हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू 7 to 7.5 8 के आसपास होता है जनरली, और एसिडिक नेचर की तरफ तो जाता ही नहीं है, मतलब न्यूट्रल टू बेसिक, सम पॉइंट्स में 7.0.8 के तरफ, बेसिक की तरफ जाता है, नहीं तो एसिडिक नेचर का ही रहता है। तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ लाइफ मुश्किल है, कहाँ वेनस पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पीएच ऑफ द सॉइल। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ, टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी प्लांट हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन कलेक्ट सैंपल्स ले सकते हो। मतलब जो प्लांट्स हैं वो भी एक पीएच रेंज में ही जो है कि हेल्दी उसकी ग्रोथ होगी, उससे ज़्यादा या कम होगी तो प्लांट्स क्या होगा डेड हो जाएगा या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जो प्रॉपर जो उसमें फल लगने हैं आपको फ्रूट्स देना वो नहीं दे पाएगा। पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी एक टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच वैल्यू होता है वो जनरली एसिडिक नेचर में जाता है, बिकॉज अपना हमारा जो स्टोमक है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग HCl जो है ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग और स्टोमक, ड्यूरिंग इंडिजेशन टू स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, दिस कॉजेज पैन एंड इरिटेशन, टू गेट रिड ऑफ द पैन पीपल यूजेस बेस इज कॉल्ड एंटासिड्स। वन सच रेमेडी हैज बीन सजेस्टेड बाय द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, दिस एंटासिड न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड, मैग्नेशिया हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑफ मैग्नेशिया बेस, माइल्ड बेस इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पज। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्टोमक में प्रोड्यूस होता है फॉर डाइजेस्टिंग द फूड, और कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट हो जाता है तो उससे हमें पेन होता है या फिर इरिटेशन होता है पेट के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एंटासिड की टेबलेट्स लेते हैं, और जनरली कभी कभी मिल्क ऑफ मैग्नेशिया यानी मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड का भी कभी उपयोग कर सकते हैं। ये एक माइल्ड बेस की तरफ वर्क करता है टू न्यूट्रलाइज HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड इन आवर स्टोमक। पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके, मतलब दांतों का टूटना या फिर दांतों का खराब होना भी एक तरीके का पीएच चेंज का ही रीजन है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, मतलब 5.5 से ये लोअर हो जाता है तभी, जैसा कि आप जानते हो कि खाना खा के आप रातों को सोते हो तो सुबह उठोगे तो आपके मुंह में जो सलाइवा होता है एसिडिक नेचर में चेंज हो जाता है, तो 5.5 से नीचे हो जाएगा तो आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा।
टूथ इनामेल मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, मतलब जो दांत है वो कैल्शियम हाइड्रोपेटाइट का बना हुआ है और हार्डेस्ट सब्सटेंस एक तरीके से देखा जाए तो बॉडी का। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट कोरोडेड व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है और कोरोड हो जाता है यानी डीके होता है टूथ्स का ड्यू टू द पीएच वैल्यू ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ सुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद जो बैक्टीरिया रह जाते हैं या फिर ड्यू टू द फूड जो फंस जाता है खाना हमारे दांतों में उसके कारण बैक्टीरिया जो बनते हैं वो दांत पीएच वैल्यू को लोअर करते हैं और फिर दांतों को यानी टूथ का डीके होता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डीके इज टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट। तभी बोला जाता है जब भी खाना खाओ तभी ब्रश करो। विच जनरली जो टूथपेस्ट होता है बेसिक इन नेचर होता है और क्लींस द टीथ एंड न्यूट्रलाइजेज द एसिड प्रेजेंट इन द माउथ, तो प्रिवेंट करता है टूथ डीके को।